चार देख बस दोनों भाई पकड़ लो। पकड़ो ही लेना है, ये मेरे सुई लग जाएगी भाई। इधर से बना ये जख्म को नया कर रहे हैं हम, फिर से खून वगैरह निकले, जख्म नया हो जाए, नया हो जाएगा। तो अभी पुराने जख्म पे लगा देंगे तो वो फिर उसमें इन्फेक्शन है, वो फिर जुड़ेगा भी नहीं सही से, पक जाएगा, फिर जुड़ने ही नहीं देगा मवाद। सुई छोटी होती है, उधर से देखो वहां पर आओ, तो नीचे छेद रह जाएगा, नली खुली रह जाएगी। ठीक है, ये भी अंदर वाले टांके लगा रहा हूँ, ये कटेंगे नहीं, अंदर ही घुल जाएंगे। फिर जोन भाई फिर ये बाहर से ऐसे ही चिपक जाएगी, ये ऐसे करके नहीं, वो बाहर वाले टांके दूसरे वो भी लगाऊंगा। बकरी फिर भी बहुत हमें दिखा रही है भाई, इंजेक्शन भी सही से नहीं दिया गया इसको, दर्द हो रहा है इसकी चाहते थे, वो हिल इंजेक्शन पे हिल जा रही है ना बार बार, खुद को लगने का खतरा।
सोता हो गया। कट कैसे गए? सिंगल नहीं लग गया क्या? कुछ पत्ती पत्ती लग गए होंगे इसके पीछे। हाँ, से इस वाले कमरे में रहती है? नहीं, पीछे से जहाँ से लाइन है उसको। अच्छा, वहीं से लगी। हाँ, से लगी है। वो सही बता रहे थे कि इतना ही पुराना है? हाँ, खून निकल रहा था ना उस टाइम, ताजा ही था। कितने का बना सोता है ये? 6.5 का। कितनी उम्र अभी इसकी है भाई? 4 साल कम से कम। ठीक है, अब तो बकरे बकरे चोरी नहीं हो रहे? तो करवा दी भाई, देख कौन बेकार हो गई है ना। तीन ही कंटिन्यू हैट्रिक मार दी वो है चोर ने। दूसरा नीडल कहाँ फेंक दे? रखियो तो। होती ना पकड़ने वाले तो वो जल्दी होती तो लग नहीं कैंची पहले पड़े थे सारे सब नहीं, इनकी कैंची धागा पकड़ने वाली दूसरी आती है, सुई पकड़ने वाली। ठीक है, क्यों नहीं बैठी? चार टांके आएंगे इसमें है ना, दो और आएंगे, तीन अंदर आ गए, चार बाहर आ जाएंगे। थन तो सही इसका, थन देखो हो तो है, तुम्हें केयर करनी पड़ेगी। अभी तो आज आज के लिए फिलहाल पट्टी कर दूंगा, बाकी तुम्हें डेली इसकी ये बीटाडीन रख लो, बीटाडीन से और पेरोक्साइड से साफ करना है। अगर पेरोक्साइड से ना भी करो तो बीटाडीन से तो जरूर करना है। अच्छा, बस हो गया बेटा। ये
बन रही ना बेटा। एकदम नीचे यहाँ है ना होल, इसका ये चोट लगी हुई है ना सारी, तो काट लेगा करीब। देख ले ना रह गया। पकना नहीं चाहिए और तो बात ही सब। ये क्या हाइड्रोजन, इससे क्यों धोते हैं गंदे? इससे जो लाल मांस सड़ सड़ के सफेद होने लग जाता है ना, ये उसको सफेद मांस को अगर कम है तो हटा देगा, अगर ज्यादा है तो फिर वो रहेगा, वो ब्लेड से काटने के बाद ही हटेगा। ये साफ सफाई के लिए होता है बेसिकली, इससे जख्म की साफ सफाई अच्छी हो जाती है। पानी हो गया, हो गया। इधर खींच लो उसको, पट्टी हटक जाएगी इसके, यहाँ पट्टी घुमानी पड़ेगी ना ऊपर से ऐसे, इस पर घुमा दियो यहाँ से ऐसे, तो है ना। हाँ हो जानी चाहिए भाई। अगर देखो इसमें अगर आपको कल जैसे पट्टी करोगे ना इसका, अगर लगा ना कि मवाद है तो पता क्या करना, इसका ये पकड़ के ना, एक पकड़ के इसको खींच लेना और इसकी ये टांका काट देना और हल्का हल्का दबा के जो पस बनी होगी ना वो निकाल देना। बाकी एक बार मेडिकल देखो, मैं इसकी दवाई तो नहीं जानता, पर एक बार डॉक्टर से जो भी है वहाँ से एक बार उससे कंसर्न कर लेना, बोलो टांके लगा दिए, कोई दवाई वगैरह बताओ जिससे ये सूखे, और एंटीबायोटिक्स दवाई दो इसकी, ठीक है? मुर्गी से अभी एंटीबायोटिक की दवाई की ज़रूरत है, नहीं तो पस पड़ जाएगी। हो गया बेटा।
9 बजे की बैठो पर फोन में 12:30 तेरी। बस बस बेटा हो गया। कुर्सी पे जोनी भाई पट्टी रखी थी ना, चार पीछे कर तो जितना खुला रहेगा उतना बढ़िया रहेगा वैसे, है ना। ये 2-3 दिन शुरू में पट्टी करो क्योंकि अभी खड़ी है ना, अभी ताज़ा घाव है नीचे बैठे की, फिर मिट्टी लगेगी, इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांस है। खुलना सर ना, पट्टी भी हल्की सी रखी है बिल्कुल ही मारो चल। चिपकाने वाला होगा वो पड़ा गोल से भाई कर दो।